सो हे क्लासेस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो भाई यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं गेम में जो है 11th एनिवर्सरी चालू हो चुका है एंड साथ में हम लोग को कुछ इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं जिसका नाम है भाई क्लैश एनिवर्सरी चैलेंज एंड #3 यहाँ पर लिखा हुआ है। #3 इसलिए क्योंकि भाई ये जो है आज तीसरा चैलेंज जो है अनलॉक हो चुका है। इससे पहले भी #1 और 2 को हमने बहुत ही ईजी मेथड में कंप्लीट किया था, अगर उसको आपने नहीं देखा तो उसके वही जाके आप लोग देख सकते हैं। एंड आज इस वाले बेस को करेंगे भाई बहुत ही ईजी मेथड में 3 स्टार निकाल के देंगे। तो जितने बंदे चैनल पे न्यू है चैनल को जाकर आप लोग को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में भाई वीडियो पे एक लाइक भी कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले आप लोग को करना क्या होगा, यहाँ पर जो एक एक गॉब्लिन्स को आप लोग को इस तरह से कॉर्नर पे ड्रॉप करना है। उसके बाद जो यहाँ पर देख सकते हैं टोरनेडो जो है ट्रिगर आउट हो जाएंगे, साथ ही में स्केलीज भी ट्रिगर आउट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा जूम करना है और यहाँ पर जो है एक हॉग राइडर को ड्रॉप करके इधर भाई वॉलकेरी को ड्रॉप कर देना है। एंड यहाँ पर जितने भी स्केलीज वगैरह है सीसी सब कुछ यहाँ पर जो है यहाँ पर बस ये वॉलकेरी जो है आराम से टेक डाउन कर देंगी। बस यहाँ पर एक पॉइजन स्प्रे को आप लोग को गिरा देना है और यहाँ पर जो स्टोरेज पे दो दो यहाँ पर सुपर गॉब्लिन्स का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर देख सकते हैं सीसी जो आराम से टेकडाउन हो जाएगा और ये रेज टावर का जैसे पावर खत्म होगा उसके बाद आप लोग को यहाँ पर अप्रेंटिस वार्डन और क्वीन को जो है यहाँ पर ड्रॉप कर देना है। साथ में भाई पीछे से हीलर्स और बलून्स को कुछ इस तरह से आप लोग को स्पैम कर देना है। एंड यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे और इधर से आप लोग को जायंट्स को भी ड्रॉप कर देना है ताकि इधर वाले जो एक्सपो है वो भी टारगेट हो जाए। और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर रेज स्पेल को डालेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वीन जो है अब अंदर जा रही थी तो उसके बाद हमने यहाँ पर क्वीन के ऊपर जो है रेज स्पेल डाल दिया है, साथ ही में कुछ लून्स को भी रेज स्पेल लगा। तो आप लोग को भी कुछ इसी तरह से रेज स्पेल का इस्तेमाल करना है। उसके बाद जो यहाँ पर और एक यहाँ पर हम लोग इनविजिबल का यूज़ कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है स्कैटर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। और इधर से हमने डार्क ड्रिल को सेंड कर दिया अपर वाले यहाँ पर टेस्ला के पास से। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अब जो डार्क ड्रिल है सीधा भाई टाउन हॉल को टारगेट करने जाएगा। और यहाँ पर अगर आप लोग को लगे कि यहाँ पर इनविजिबल की ज़रूरत है तो आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। एंड यहाँ पर मैं स्वैग करने के चक्कर में मैं यहाँ पर नहीं डाल रहा हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अब जो है डार्क ड्रिल सीधा भाई यहाँ पर टाउन हॉल को हिट करने जा रहा है। और ये देखिए भाई टाउन हॉल वगैरह सब कुछ एक्टिवेट हो चुका है, आइस गोलम अब निकल रहे हैं भाई डार्क ड्रिल के अंदर हमारे आइस गोलम है। और उसके बाद यहाँ पर जो है थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पर रेज डाल देना है क्योंकि यहाँ पर जो है कंपार्टमेंट अभी बिजी है क्योंकि आइस गोलम जो है लगातार फ्रीज कर रहे हैं कोर को। तो अभी सही टाइम है कि क्वीन को चार्ज करवा के भाई आराम से जितना वैल्यू हो सके निकाल लेते हैं ताकि भाई ये कोर जो है आराम से टेकडाउन हो जाए। उसके बाद जैसे यहाँ पर डाउन हो जाएगा उसके बाद आपको स्केलेटन स्पेल को कुछ इस तरह से ड्रॉप कर देना है। और यहाँ पर जो ये सिंगल इन्फर्नो टावर्स है उसको भाई डिस्ट्रैक्ट करवा देना है। और यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे और देखते हैं अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग फ्रीज स्पेल का या तो इनविजिबल का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं टारगेट हो चुका है। तो यहाँ पर एक फ्रीज स्पेल हम लोगों ने डाल दिया है और अभी भी हमारे पास क्वीन की एबिलिटी बची हुई है जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। और यहाँ पर जो है अभी देखते हैं तो ये आराम से डाउन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर तो अभी टैप करने की ज़रूरत नहीं है। एंड मैं ये सब कुछ भाई स्वैग करने के लिए कर रहा हूँ। अगर आप लोग को लगे कि यहाँ पर ज़रूरत है फ्रीज स्पेल या फिर इनविजिबल का तो आप लोग बिंदास यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं। तो फिलहाल अभी यहाँ पर देख के तो नहीं लग रहा कि कोई स्पेल्स की ज़रूरत है। और यहाँ पर हमने जो है क्वीन की एबिलिटी को टैप कर दिया और ये सिंगल इन्फर्नो भी उसके चपेट में आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे स्टोरेज डाउन हुआ उसके बाद यहाँ पर जो है सुपर गॉब्लिन्स का हम लोग इस वाले टेस्ला के ऊपर यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत कुछ हमारे पास स्वैग करने के लिए बच गया, 2 फ्रीज स्पेल, 2 इनविजिबल और 1 हेड एंटर। तो गाइज आप लोग भी इस मेथड का एक बार जरूर से यूज़ करके देखें। एंड जल्द मिलेंगे भाई हम लोग इस तरह के और भी न्यू वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए भाई जय हिंद। We'll be right back.